नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी स्टडी पॉइंट को और पाइए सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी स्टडी पॉइंट में। जैसा कि इससे पहले जो क्लास आई थी वो आपकी थी रचना और उनसे संबंधित लेखकों के ऊपर, तो ये उसी की दूसरी क्लास है। उसमें जो रह गए थे वो मैं आज इस क्लास में बता दे रहा हूँ और यहाँ से आपके रचना और उनके लेखक कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहली रचना, सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। आप देखते हैं अगली रचना, अगली रचना है साकेत। तो इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। अब देखते हैं अगली रचना, अगली रचना है प्रिय प्रवास। तो इसके लेखक हैं हरिओत जी। अब देखते हैं अगली रचना, तो अगली रचना है पद्मावत। बहुत प्रसिद्ध रचना है, आप सबको पता होगा इसके बारे में, अक्सर परीक्षा में पूछते रहते हैं। तो इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। अब देखते हैं अगली रचना, अगली रचना है राम गोविंद और इसकी लेखिका हैं मीरा। अब देखते हैं अगली कुछ और महत्वपूर्ण रचना है, तो अगली रचना है सुदामा चरित और इसके लेखक हैं नरोत्तम दास जी। देखते हैं अगली रचना, तो अगली रचना है श्रृंगार सतसई और इसके लेखक हैं रहीम दास जी। अब देखते हैं अगली रचना, अगली रचना है कामायनी और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। अब देखते हैं अगली रचना, अगली रचना है कलिंग विजय। तो इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। अब देखते हैं अगली रचना, अगली रचना है साहित्य लहरी, इसके लेखक हैं सूरदास जी। अब देखते हैं अगली कुछ और महत्वपूर्ण रचना है, तो अगली रचना है यामा। तो इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी और इन्हें यामा के लिए ही भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब देखते हैं अगली रचना, अगली रचना है प्रभावती और इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगली रचना है मानसरोवर और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। अब देखते हैं अगली रचना, अगली रचना है गीत गोविंद और इसके लेखक हैं जयदेव। अगली रचना है राज तरंगिणी और इसके लेखक हैं कल्लड़। तो ये तो रही कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। अगर मुझे लगेगा कि कुछ रचनाएं इसमें छूट रही हैं तो एक या दो वीडियो में आपको रचना की और दे दूंगा बाद में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए सबके साथ, जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं वहाँ तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल है, आप लोगों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है। मेरा काम है पढ़ाना, मैं आपको एक क्लास देता रहूँगा। आप अपना काम कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने इस परिवार में जोड़िए। थैंक यू।